बिहार में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को बिहार में 24 घंटे में 7,487 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी पटना की बात की जाए तो 2,672 नए संक्रमित मरीज मिले। कोरोना का कहर निरंतर जारी है, लोग त्राहिमाम हैं। सरकार के तमाम दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। कोरोना की मार सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पड़ रही है। हाल के दिनों में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके आम जनता से अपील किया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा तो संपर्क करें। ऐसे में पारस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के एक परिजन ने रेमडेसिविर की मांग सरकार के साथ साथ तमाम हॉस्पिटल से की थी, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में पप्पू यादव के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर इंजेक्शन की मांग की गई, जिसके बाद पप्पू यादव ने मदद की। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञान स्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना। मेरी मौसी हैं एडमिट पारस हॉस्पिटल में। मैं एक सप्ताह से बहुत परेशान था और सबके डीएम साहब के, दरभंगा डीएम साहब के पास भी गया, अली अशरफ आदमी साहब के पास भी गया कि ये मुझे इंजेक्शन इंतजाम करवा दें, तो कहीं उपाय नहीं हुआ। तो लास्ट में कल सर को फ़ोन किया और बताया मैं वो यादव जी को कि सर ये इंजेक्शन चाहिए मुझे, तो वो बोले कि ठीक है आप वेट करो, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे रात में इंफॉर्मेशन फ़ोन आ गया उन सर का कि आप आइए, आपका हमने मंगवा दिया है दिल्ली से। तो मैं सुबह निकला हूँ 4 बजे सुबह, अभी आके उनके साथ यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बता दें कि कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आखिर न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।